प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। नमस्ते दोस्तों, तो आपने पिछले दिनों ये बहुत सुना होगा कि बीजेपी जो है वो कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती है, जाति की राजनीति नहीं करती है, और इस बार के चुनाव में सभी जातियों ने अपनी जात से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी को वोट दिया। तो इसी सच्चाई की आज पड़ताल करते हैं। अभी पिछले दिनों बल्कि इसी हफ्ते आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 OBC जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट के लिस्ट में शामिल कर दिया और ये कहा कि इन जातियों की कोई अब ये अधिकार है कि वो अपना शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट जाकर ले लें। अब अगर बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है तो बीजेपी को आखिर ये क्यों ख्याल आया कि 17 OBC जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। अब दिलचस्प बात, सबसे मज़ेदार बात कि केंद्रीय जो मानव सामाजिक कल्याण मंत्री हैं गहलोत साहब, वो पार्लियामेंट में कहते हैं, राज्यसभा में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून की नज़र में ये मान्य नहीं है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को ये सलाह दी कि आप कृपया ये ना करें क्योंकि आप जो इस तरह से सर्टिफिकेट इशू करेंगे 17 जातियों को, वो हो सकता है कि कानून की नज़र में अमान्य हो जाए। अब आप पूरी सिचुएशन को देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार एक फैसला लेती है कि 17 जातियों को SC की लिस्ट में शामिल करें और केंद्र सरकार कहती है कि ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दोनों ही सरकारें बीजेपी की हैं। तो आखिर हो क्या रहा है, एक सरकार बीजेपी की एक फैसला लेती है और बीजेपी की केंद्र सरकार कहती है कि ये असंवैधानिक फैसला है। दरअसल इस मामले में हुआ ये है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उत्तर प्रदेश का, उनको ये प्रॉमिस किया था कि OBC का वो बाइफर्केशन करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया, मोस्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, और उसकी रिपोर्ट भी आ गई और उन्होंने ट्राइफर्केशन की एक्चुअली सिफारिश कर दी थी। तो चुनाव से पहले उनका प्रॉमिस था कि जो OBC के अंदर तमाम तरह की जातियाँ उनको अलग अलग कर देंगे क्योंकि OBC रिजर्वेशन का फैसला कुछ खास जातियों के हिस्से में जा रहा है। अब चुनाव के बाद उनको ये फैसला अपना लागू करना चाहिए था, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था और OBC के बाइफर्केशन पर बात करनी चाहिए थी। केंद्र में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में ये फैसला किया था कि OBC के बाइफर्केशन के लिए एक कमेटी बनेगी, जस्टिस रोहिणी कमीशन बना और उसको ये फैसला करना था, इस बारे में सिफारिश देनी थी कि OBC का किस तरह से बंटवारा होगा क्योंकि OBC के आरक्षण का फायदा था कि कुछ एक जातियों को न मिल जाए। अब ये दोनों फैसले जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने किए, सरकार उस पर अमल तो कर नहीं रही है। इसकी जगह वो जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज हैं, कास्ट्स हैं, उसको उन्होंने शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति क्या है, संविधान क्या कहता है। संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट की पहचान के लिए स्पष्ट रूप से एक अनुच्छेद है, 341 नंबर का अनुच्छेद, और उसमें साफ कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके शेड्यूल्ड कास्ट की एक लिस्ट बनाएंगे, और इसका सब क्लॉज 2 कहता है कि इसमें कोई भी परिवर्तन जो है वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, किसी कास्ट को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में, ये काम पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो अब क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार को ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है, उनके अफसरों ने, उनके मंत्रियों को क्या संविधान की जानकारी नहीं है? क्या ये माना जाए कि संविधान को जाने बगैर उन्होंने कुछ OBC जातियों को बगैर पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास हुए, बगैर उसको मंजूरी मिले, राज्य सरकार ने अपने मन से कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लिया, क्या इतना कानून की इतनी जानकारी, बुनियादी जानकारी उनको नहीं है? ऐसा मानने का दरअसल कोई कारण नहीं है। निश्चित रूप से उनको मालूम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहले की भी सरकारों ने जब भी ये किया था तो वो कोर्ट की स्क्रूटनी में वो खड़ा नहीं पाया गया और इस वजह से रिजेक्ट हो गया। इसको मुलायम सिंह सरकार ने, अखिलेश सरकार ने भी करने की कोशिश की थी कि 17 जातियों को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल कर देना, लेकिन ये नहीं हो सकता है। इसकी जानकारी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार को थी, इसके बावजूद उन्होंने क्योंकि वो OBC का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से अति पिछड़ी जातियों को एक उन्होंने झुंझुना थमा दिया कि आप शेड्यूल कास्ट में हैं और आपको आरक्षण का बेहतर लाभ मिल सकता है। अब इसमें दो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है उसमें, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सवाल है, दूसरा पॉलिटिकल सवाल है कि ऐसा वो क्यों कर रही है। दरअसल हुआ इस बीच में ये है कि OBC की जो जातियाँ जिन पर ये आरोप था कि वो आरक्षण का ज़्यादा लाभ ले रही हैं,
वो जातियाँ उसका एक बड़ा हिस्सा इस समय बीजेपी के साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश में जाट जो वहाँ ओबीसी है उनका 91% जो है उन्होंने सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे है जिसके हिसाब से उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। कुर्मी और कोयरी इनका 80% से ज़्यादा हिस्सा ऑलरेडी बीजेपी का वोटर है। अब बीजेपी के पास कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से वो अपने इस वोटर को नाराज करे, इस वजह से वो ओबीसी के बंटवारे के अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रही है और मोस्ट प्रेगर्ड क्लासेज जिनके साथ उन्होंने ये वादा किया था उसको वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में गलत तरीके से शामिल करके जो लागू नहीं होगा इस एक तरह से उनको एक तरह से वो चीट कर रही है, एक तरह से ये राजनीतिक धोखाधड़ी है। और मुझे लगता है कि इस तरह से ये मामला सेटल नहीं होगा और बीजेपी के जो ये कास्ट पॉलिटिक्स है ये यहाँ पर आकर फंस गई है, एक गतिरोध का शिकार हो चुकी है। बीजेपी यहाँ से कैसे आगे निकलती है देखने वाली बात होगी और इस पर आप भी नज़र बनाए रखें। ये विवाद अभी हल नहीं हुआ है, इसमें अभी आखिरी बात नहीं कही गई है, तो आपने इस विवाद पर आपको आगे भी नज़र रखनी चाहिए और मैं भी कोशिश करूँगा कि इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आपसे अवगत कराएं। दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूट्यूब पर जो द प्रिंट का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।